ताली मारो बोलो वाला मैं सरवण सिंह पंधेर इस वेले शंभू मोर्चे तो बोल रहा। मेरे पिछे थोनू स्टेज नज़र आ रही होगी दोवां फोरमां दी, जिथे 13 फरवरी तो मोर्चा चल रहा। इस वेले 273 दिन इस मोर्चे नू चलदिआं हो गए ने। जड़ियां गल्लां प्रधानमंत्री जी भाजपा महाराष्ट्र च कर रही आ जां झारखंड च कर रही हैगी आ किसानां मजदूरां नू लैके, उही मंगां नू लैके इह मोर्चा चल रहा हैगा। और देखो हर चोण जितण वास्ते हाकम वादे करदे हैगे। महाराष्ट्र च कपाह वाले किसान, गन्ने वाले किसान, सोयाबीन वाले किसान और जिन्नियां भी बाकी फसलां ने उत्थे, जे प्याज हुंदा प्याज भी मंडियां च असी रुलदा देखिया हैगा। इस तरह झारखंड के अंदर भी लकड़ी पैदावार काफ़ी हुंदी आ, जिहड़े उत्थों दीआं कोला खदानां ने उह कारपोरेट दा उत्ते कब्जा हो गया। किसानी भी जिहड़ी आ उन्हां नूं भी उत्थे चंगे फसलां दे भाव नहीं मिलदे हैगे। तो जिहड़ियां गल्लां नूं परवादे हाकम होण करदे आ वी साडा पक्ष सारे पक्षों ठीक हैगा, तो असीं कहिंदे इन्हां मसलिआं दा जे फसलां दे सारे गंडा जे महाराष्ट्र दा ठीक विखे, कपास सही रेट ते विखे, बाकी फसलां तां उहदे लई MSP लीगल गरंटी कानून बनाउणा बहुत जरूरी हैगा वा। इस करके अरे दो का किसानां मजदूरां दा कर्जा माफ़ी हुण वादे भी कर रहे आ बहुत सारे स्टेटां च, जिवें इलैक्शन जित्तण वास्ते मध्य प्रदेश च, राजस्थान दे विच ये बोल के भी कणक इन्ने रेट ते 2700 ते कई थावां ते 3100 ते कहा गया पर खरीदी नहीं गई भाजपा वल्लों। तो ये इलैक्शन जित्तण दे स्टंट आ। अज भी देश दे प्रधानमंत्री मंदिर मस्जिद दी राजनीति नूं अगे तोड़ रहे ने, और जो असीं देख रहे भाजपा दा करैक्टर और वो धार्मिक तौर पर जिहड़ा समाज का भाईचारा नूं वंड रहे ने, जातिवाद वालियां गल्लां ते वंडियां पा रहे ने। असीं कहिंदे किसे भी देश की धार्मिक घट गिनती ते जुल्म नहीं होने चाहिए। जे बंगलादेश दे विच 2-3 महीने पहलों घट गिनती ते जुल्म होया वह भी निंदण योग आ, जे पाकिस्तान च हुंदे आ वह भी निंदण योग आ। किसी भी देश की धार्मिक घट गिनती ते जुल्म नहीं होना चाहिए और भाईचारिया नूं वंडिया नहीं जाना चाहिए। साडा अंदोलन लगातार जारी रहेगा। और जिवें पंजाब दे उत्तर भारत दे विच DAP की किल्लत आ, झोने की खरीद दे विच जिहड़े रड़के केंद्र सरकार खड़ी कर रही आ, खेती मंडी तोड़ना चाहुंदे आ, इह नहीं टुटण देंगे। और मंगा मनाउण तक जिहड़ा वा इह मोर्चा आपां जारी रखांगे। धन्नवाद।